टेस्ट करके बताओ कैसी बनी। अल्लाह वो फ्राई होने के बाद उसको रेस्ट देंगे फिर इसको उसमें गाइस ज्यादा मिलते हैं, मेरी तबीयत खराब हो गई, पूरी जल गई। अब हम लोग घर से बाहर निकालने वाले, उसके बाद हम लोग गार्लिक ब्रेड एंड पिज्जा बनाएंगे विद दो कपड़ा। ये देखो आसमा जो लगा रहे हैं एक जन। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने बनाया है गार्लिक ब्रेड, वो भी बहुत मुश्किल से। आप लोग भी देखना गार्लिक ब्रेड का वीडियो। और ये बनाया है फ्रेंच फ्राइज, ये बनी है फ्रेंच फ्राइज, ये थम्स अप भी हम लोग ने घर में बनाया है। आप प्लीज देखिए पूरा व्लॉग। तो सो वंस अगेन वी आर मेकिंग फ्रेंच फ्राइज। और यहाँ पर आलू कट के हो चुके हैं, इसने प्रॉपर कट भी नहीं किया, ये देखो यहाँ पर स्लाइस भी हो चुके हैं, ये देखो लंबे लंबे स्लाइस कट कर लिए हैं। यहाँ पर सब काम आसमा ही करती है ये आसमा नहीं, ये मंतशा कर रही है, आसमा का हाथ है, मिसबा का हाथ है, सॉरी। यहाँ पर ये पानी में इसे अच्छे से धो लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे सबको, पहले स्लाइस कट करने के बाद आगे मिलते हैं। अच्छा फ्रेंच फ्राइज वाला स्लाइस हुआ है, ऐसे ही कट करना है आप लोगों को भी। थैंक यू, बाय। बोल क्या बोल अभी इसके बाद। तो ये आपका आलू है, इसको बराबर बीच में से ऐसा कट करना है। हाँ जी, उसके बाद करने के बाद इसको नीचे रखिए, इसको ऐसा पीसेस करना है, स्लाइस करना है। हाँ, तो ये प्रॉपर फ्रेंच फ्राइज की तरह क्रिस्पीनेस भी आएगी इसके अंदर। नहीं, इससे क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, इससे हमें होएगा फ्रेंच फ्राइज वाले शेप मिलेगी। बचा ये वेजीज वाले शेप बना दी इसने। हाँ, अब ये बना फ्रेंच एंड फ्राइज। ये देखो ये देख सकते हैं, ये सबको ऐसे बिछा लेना है। हाँ, इसके बाद हम लोग गार्लिक ब्रेड एंड पिज्जा बनाएंगे विद डो, विदाउट डो वाला नहीं, मतलब ये वाले ओवन में। हाँ, अब भाभी नहीं, भाभी को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं आज। भाभी देखो कितना मस्त शेप आया। अभी बड़ी मी क्या करे वो दिखाते हैं आपको, चलिए। सो आप लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा, उंगली घटा के शहीदों में नाम लिखाना, मन्नू का काम पुराना है। ये देखो ये मन्नू है और ये आसमान ने पूरा देखो बना के रख दिया, और ये मन्नू जबरदस्ती आई है बीच में हाथ डालने के लिए। मंतशा ही पहले से कर रही थी, आसमा मैं पानी भर रही थी। हाँ, देखे तो उसको काट रही है कि नहीं। अरे आसमा इसको भी काट, अबे तू फ्रेंच फ्राइज बनाने के आलू की भाजी बना रही है। ये आलू की भाजी बना रही है एडी आसमा, हर जगह इतने पतले पतले फ्रेंच फ्राइज कौन से होटल में खाएगी, इनके फ्रेंच फ्राइज ऐसी खाती है आसमा। अल्लाह, यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज जो है उसका पानी निकाल रहे हो और इधर पानी गर्म करने के लिए रखे हो, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और नमक। और ये गार्लिक ब्रेड के लिए ट्रे हम लोगों ने निकाल दी है, आगे का प्रोसेस बाद में बताएंगे। अभी निकल करेंगे हम नमक स्वाद अनुसार और ऑयल, और ये मन्नू के हाथों से ऑयल ऐड किया है। अब जब पानी में एकदम उबाल आ जाएगा तब ये फ्रेंच फ्राइज को धीरे धीरे उसमें डालेंगे, और फिर उसके बाद हम करेंगे तैयारी। सो अब यहाँ पर स्टार्ट है गार्लिक ब्रेड की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिए यहाँ पर लहसुन करेंगे, ये देखिए इतू सा ऑयल ऐड करने के बाद इतू सा नमक, वो भी तो शेक करके ऐड किए नमक इसमें। फिर ओरिगैनो ऐड करेंगे इसमें, कितने प्यारा प्यारा दिख रहा है ओरिगैनो। बनाएंगे इसको ताकि थोड़ा चटपटा रहे, एकदम सूखा सूखा नहीं लगे, थोड़ा एनहांस कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है, थोड़ा तीखा रहना चाहिए। हम काली मिर्च ऐड करेंगे हम काली ब्लॉग रेसिपी खराब कर रहे लोग तो देखो। हाँ, ये देखो ब्रेड है मस्का, उसको काटा जा रहा है छुरियों से, जो कट रहा भी नहीं है। देखो अब हम इसको करेंगे इस तरह थोड़ा सा गर्म। ये देखो ये है लाइफ हैक, अगर आप खाना बना रहे हो मस्का आपसे गल नहीं रहा है तो इस तरह से गला लो, ओवर में डाल दो। ये अभी ज्यादा गल चुका है तो फिर चटका लगता है। और देते हैं गाइस। हाँ, ये देखो है कि नहीं दिमाग मेरे पास मेरे पास दिमाग है गाइस। गाइस आपको तो पता भी नहीं कौन क्या बोल रहा है। बस इतना है ना, ये पूरा गल जाए, गार्लिक अच्छा सा मेल्ट होना चाहिए, तभी हम इसे रख देंगे ओवन में। अभी आपको एक सरप्राइज मिलेगा। आटा, ये क्या है? ये है आटा, आटा अभी का काम है। तो अब इसको हम लोगों ने रख दिए, चालू कर दिए। हाँ,
तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 मिनट का टाइमर लगा चुके हैं। 5 मिनट का लगा है। 5 मिनट बाप रे, लहसुन जलने वाला है गाइस, लहसुन जल के राख हो जाएगा। पानी खोल, उबलने के बाद इसमें ऐड करेंगे फ्रेंच एंड फ्राइज। नहीं, आप पानी खोल चुका, अब इसमें ऐड करी मैं धीरे धीरे उबले हुए हमारे आलू उबालने के लिए। उबल जाएंगे उबले हुए आलू। उबले हुए आलू को निला रही है ये गाइस, इसमें से बहुत तड़कती पड़कती है। यहाँ पर तो मसाला तड़क गया है, कुछ तो कांड होने वाला है। ये हो चुका है अभी 30 सेकंड बाद हम लोग ने इसको बाहर निकाले हुए। 5 मिनट का टाइमर। अरे तो नहीं हुआ ना अभी तक, देखो लहसुन डाला लेकिन। तो चलो अब इसमें हम लोग ने ऑयल ऐड कर दी, वापस से इसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पर चल रहे थे ना, तो हम लोग को ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ चिकना चिकना है। तो ये आप लोग ये दोनों के पैर भी देख सकते हो। आसमान ने डाली थी 5 बजे फिनेल और हम जाके ये पहुंच गए। जल गया, लो ब्लास्ट हो गया कुछ तो। ओ माय गॉड, क्या हो गया? बिस्मिल्लाह अल्लाह खैर करे। ये नहीं ब्रो, ये लो गाइस कटोरी जल गई। अब हम लोगों को घर से बाहर निकालने वाले अंडरग्राउंड। अब अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया। ये देखो पूरी कटोरी, नवी कटोरी हम लोगों ने निकाल ली थी। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने शिफ्ट के दूसरे उसमें देखो तल के निकला। ये तो फ्राई हो गया। अजमा भी इतनी नहीं फ्राई करेंगे। अरे ये तो क्या हो गया, तो मेल्ट नहीं हुआ, ये तो तल गया लहसुन। यहाँ पर ये अंडरग्राउंड कर दिए। नहीं को उबालने का था, तल के निकल गया। तल गया अब इसे क्या करेंगे? ये अभी इसमें और ये देखो कुछ दिख रहा होगा नीचे। ये देखो कसम, ये व्लॉग देखने के बाद सच्चाई खुलने वाली। फ्रेंची हो रही है, फ्राइज बनना बाकी है। यहाँ पर ठेसा जा रहा है। पहले ठेस देते, क्या जाते हो? पहले ठेस देते। बिस्मिल्लाह, और थोड़ा तेल डाल लो इसमें। नहीं तले भी लहसुन लगेंगे। ये आज मम्मा चाले करने आएंगे। ये देखो यहाँ पर हमारा तड़का तैयार हो गया है। गार्लिक ब्रेड का हम लोग कुछ और सोचे थे, कुछ और हो गया, लेकिन इसका टेस्ट बताएंगे। टेस्ट बनने वाला है, फिर उसको स्टेन करेंगे और बाद में मिलेंगे। अभी ये एक तड़का ब्रेड हमारा बनने वाला है, इसको हम लोग ट्रायल के लिए कर रहे हैं कैसा टेस्ट आता है। अच्छा ही आएगा। अब इसमें ऐड कर रहे हैं चीज। चलो 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 आन दो भाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखो हो चुका है स्ट्रेन। आसमा से नहीं हुआ था, आसमा गार्लिक ब्रेड तैयार हो चुका है। अब इसको आसमा बारे हैप्पी बर्थडे टू आसमा। कॉपीराइट मारेगा? नहीं, चल उल्टा कर। हाँ बिस्मिल्लाह। चार टुकड़ा, अपन चार लोगे। हाँ ला मेरे को एक दे। ये आप लोग खाओ, ये आप लोग खाओ। लेट्स ईट। कैसा लगा? अच्छा लग रहा। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा। बाकी का आधा आगे बनाएंगे। ये देखो इधर से। सो वो तो बहुत टेस्टी लग रहा था, बट ज्यादा लहसुन लहसुन लग रहा था, तो हम लोगों ने नया तरकीब निकाले के इसमें ऐड कर दिए मायोनीज। यस आसमा, यस। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। बस करो, अब इसको मिक्स करो। ये देखो अभी सबको कर दिए मिक्स। सब अब सब नहीं, सॉरी, अभी आसमा लगा रही है इसके अंदर फाइनली मेयो तड़का वाला लहसुन। ये सब लगा दिए इसके अंदर। नया नाम गार्लिक ब्रेड से हम लोग ने पूरी रेसिपी की बैंड बजा दी है। अभी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, वाकई बहुत टेस्टी। थोड़ा सा नमक कम था तो वो भी हम लोग उसको एडजस्ट कर लिए है। अब मिलते हैं टोस्ट करने के लिए। बोलना बेड़ी टमाटर। अभी टोस्ट करने के टाइम मिलेंगे। चलो अब देखते हैं इसका क्या हाल है। ये देखो ये तेल, इतने तेल में हम लोग करने वाले फ्रेंच फ्राइज फ्राई। बजदी और आसमा जो लगा रहे हैं एक जन ब्रेड पे मायोनीज तड़का वाला लहसुन और एक जन चीज घस रहे हैं। मतलब ये चीज उसे लाके दो। ये अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं कॉर्न, मकाई का आटा, जिससे होगा हमारा फ्रेंच फ्राइज बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी। ठीक है, हम अभी शुरू करते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है।
और तेल यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो रहा है यहाँ पे तुम्हारा है ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो रहा है। यहाँ पर है तवा गार्लिक ब्रेड के लिए लेकिन गार्लिक ब्रेड ही नहीं इसके अंदर। क्यूब ऑफ चीज नाउ आई एम ग्रेसिंग घस रही उसके ऊपर फुल एकदम चीज मायनीज और फुल फैट और बोलते मोटा नहीं होने का है हम लोग डाइटिंग पे हैं सब जन चलो अभी आपको मिलते हैं। नहीं मकाई का आटा इसमें लग चुका है कॉर्नफ्लावर अब इसको हम फ्राई करेंगे तेल डबल फ्राई कर लेंगे। अभी ये तेल बहुत ज्यादा गर्म भी हो चुका था ऐसे करके कहने गाइस ये खत्म ही इग्नोर कर दो इसको या बना ले आप अंदर डाल ला डुक्की मार के निकाल ले तो ये हो गाइस थोड़ा पीछे ले सो ये कोट करके हो चुका और यहाँ पर हमारा शाही टुकड़ा उर्फ हमारा गार्लिक नहीं गार्लिक नहीं बोलेंगे इसको तड़के वाला लहसुन मायनीज ब्रेड तब इसे करते हैं शैलो फ्राई। शैलो फ्राई क्यों करेंगे शैलो फ्राई टोस्ट करते सॉरी यहाँ पर पैन हो गया प्री हीट अब इसमें रखेंगे ये बिस्मिल्लाह वो हाथ से तक यहाँ पर फ्राइंग चालू है फ्रेंच फ्राइज की ये देखो ये रख दिए है यहाँ पर इसकी फर्स्ट फ्राइंग हो चुकी है इसे अच्छा सा स्ट्रेन करना है जिसे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देना है उसके बाद इसको निकालेंगे प्लेट में ये देखिए इस तरह से और इसको देंगे 5 मिनट का रेस्ट ये इसमें ऐड कर दिया जब तक ये फ्राई होता है इसको रेस्ट देंगे वो फ्राई होने के बाद उसको रेस्ट देंगे फिर इसको उसमें गाइस ज्यादा मिलते हैं मेरी तबीयत खराब हो गई सो यहाँ पर अभी कर रहे हैं इसे डिश आउट बिस्मिल्लाह बहुत क्रिस्पी एंड क्रंची हो चुका है सेकेंड वाला लेंगे अभी इसमें से ये पहले गिर गया एकदम क्रिस्पी क्रंची हो गया तो रुक ही नहीं रहा हाथ में अभी ये बड़ी में को देंगे टेस्ट एक बार रखो ना हाँ रुको ना सबर ना ऊपर दिखा अब इसको करेंगे इसके ऊपर इसको करेंगे इसकी फ्रेंच फ्राइज भी हो गई है रेडी अभी ये और निकाल रही है वेट और उसके साथ हम लोग रखेंगे केचप इंजॉय करेंगे इसे नहीं इसके ऊपर नमक डालेंगे हाँ नमक डालेंगे हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे और अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हो ये है देसी फ्रेंच फ्राइज अब बहुत लजीज लगता है लजीज लगता है बहुत लजीज लजीज अभी जाओ नमक पेरी पेरी मसाला डाल दो हाँ पेरी पेरी हम लोग डालने के बाद आपको दिखाएंगे अभी बाय अभी बाय अभी रुक जाओ नमक नमक डालो इसमें हम लोग थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे नमक बस यस तो ये हो गया है बड़ी मम्मी को सर्व ये अम्मी जा रहा है अम्मी के पास तो यहाँ पर अभी आ गया अच्छा मैं खा रहा हूँ बहुत सारा है कैसा लग रहा है अम्मी बहुत सारा हम लोग भी हाथ मार रहे अम्मी में थोड़ा थोड़ा बहुत टेस्टी बना है हाथ मार आ जाओ खाने गाइस हम लोग ने ये निकाले थे जिसे फ्रेंच फ्राइज लेकिन उसमें मैनेज करा तो अभी आए हैं अशु भाई और अमान तो उन लोग को टेस्ट करवाएंगे फ्रेंच फ्राइज बनाया हम लोग ने घर में टेस्ट करके बताओ कैसी बनी नीचे वाली ठंडी है नीचे वाली ये वाली लो ठंडी है अच्छी बनी बाहर की तरह ही बनी थैंक यू दुबई दुबई अलबैक की तरह बनी। सो गाइज अभी हमारा थम्स अप यहाँ निकल रहा है और ये मेरी सैंडविच भी बनके तैयार हो गई और यहाँ हमारा पेरी पेरी मसाला फाइनली आ गया और ये इस पे स्प्रिंकल होगा और ये देखो आप लोग बड़ी अम्मी आला नहीं पीते नहीं ऑरेंज वाला पीते ये मायोनीज डिप तैयार की हुई इसमें मैंने डाली हूँ चिली फ्लेक्स और पेरी पेरी मसाला और नमक तब जाके ये बहुत ही टेस्टी लगती है आप लोग भी प्लीज ट्राई कीजिएगा और ये हमारा केचप ये हमारी फ्रेंच फ्राइज सैंडविच यहाँ पे एक सैंडविच और बाकी है फास्ट करके मैं चप ले जा रही हूँ ब्रिलियंट कितना क्रिस्पी बना नहीं ट्राई करना अभी ये हो गया रही उधर हमारा बेड तैयार हो चुका है वो दिखा दो ये अभी हम लोग यहाँ पे मस्त चिल करके नेटफ्लिक्स देखने वाले हैं ये आसमा क्या दिखाई आदि पुरुष ये लगा हार्ट ऑफ स्टोन नहीं नहीं हार्ट ऑफ स्टोन फोन नहीं लगाना सो अभी यहाँ पर आ गया है सबसे पहले थम्स अप सेकेंड चीज यहाँ पर एंटर हो रही है आ जाइए मंतुषा अंसारी ये देखो ये सेकंड चीज है गार्लिक ब्रेड एंड फ्रेंच एंड फ्राइज इसे सेटअप करना थोड़ा मुश्किल है ये देखिए
बिग बॉस की बोतल ए और नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स हट मनु सो एंजॉयिंग अस नेटफ्लिक्स एंड चिल है नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।